नमस्कार। भोपाल अनलॉक वन के पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई वो जिंदगी की पटरी पर आने की गवाही देती हैं। लेकिन जिस तरह से हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उससे आने वाले दिनों की चिंता बढ़ गई है। अगर लापरवाही इस तरह की ही रही तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि आने वाला समय कठिन है, अनलॉक में मरीज और ज्यादा बढ़ेंगे, सरकार इससे निपटने की तैयारी कर रही है। मानसून ने केरल में सोमवार को तय समय यानी 1 जून को दस्तक दे दी। वहां अधिकांश इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। अब उम्मीद है कि मानसून देश के बाकी हिस्से में भी समय पर पहुंच जाएगा। इंदौर समेत मध्य प्रदेश में इसके 20 जून तक पहुंचने का अनुमान है। सोमवार रात से सुबह तक इंदौर, धार, बड़वानी समेत मालवा, निवाड़ के कई जिले में राहत की बूंदें शहर और ग्रामीण इलाकों को जमकर भिगोया। बूंदाबांदी के बीच सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। धार में तो उपार्जन केंद्र में रखा कई क्विंटल गेहूं भीग गया। भोपाल मध्य प्रदेश अनलॉक के पहले दिन यानी सोमवार को राजधानी के बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से शाम तक चौराहे पर जाम की स्थिति, जबकि प्रमुख बाजारों में लोगों की आवाजाही बनी रही। इससे कोरोना की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनती देख जिला प्रशासन ने शाम को धारा 144 का संशोधित आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अब चौराहे, सड़क के साथ साथ दुकानों पर भी 5 से ज्यादा लोगों के जुटने की पाबंदी रहेगी। नेशनल हाईवे 39 पर छतरपुर नौगांव के बीच बुरसराय के पास सोमवार सुबह एक युवक ने करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। बुलेट से जा रहे युवक को एक कार ने ओवरटेक कर लिया। इससे भड़के आरोपी ने आगे बढ़कर कार रोकी, कार चालकों को लाठियों से पीटना शुरू किया, साथ ही कार की भी तोड़फोड़ की। इससे हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी आरोपी ने गाली गलौज करते हुए लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी पर लाठियां चलाई, तब कहीं वो काबू में आ सका। उज्जैन आरडी गार्डी के आईसीयू में भर्ती खत्रीवाड़ा निवासी 97 साल के मरीज ने कोरोना को हरा दिया। सोमवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नोडल अधिकारी व अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत डॉक्टर सुधाकर बैद ने बताया, मरीज को 18 मई को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसकी गंभीर हालत देखते हुए आईसीयू में रखा था, रिकवरी हुई और वो ठीक हो गए। उनके अलावा 21 अन्य मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। ग्वालियर जिले में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 9 नए मरीज मिले, लेकिन इनमें से एक धनेली निवासी इंद्रजीत दूधिया है। इंद्रजीत घरों पर दूध बांटने का काम करता है और एक दिन पहले सैंपल देने के बाद भी वो दूध बांटता रहा। सोमवार को इंद्रजीत ने रिपोर्ट आने से पहले किलागेट क्षेत्र के 2 दर्जन घरों में दूध बांटा। इस कारण इन घरों से दूध लेने वाली महिलाएं व पुरुषों को संक्रमण होने का खतरा है। मध्य प्रदेश डबरा दिल्ली घर में घुसकर लूटपाट और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी के पास चोरी का सामान मिलने का ये मतलब नहीं है कि हत्यारा वही है। हत्या का अपराध साबित करने के लिए चश्मदीद गवाह या ठोस सबूत होने चाहिए। आरोपी को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिससे हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को लगातार अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को टॉयलेट में गंदगी मिली, अब सोमवार को फफूंद लगा भोजन दिए जाने का मामला उजागर हुआ। ये खुलासा एक वीडियो के जरिए हुआ। वीडियो में कोरोना पीड़ित महिला फफूंद लगा खाना दिखाकर चिल्लाकर कह रही है कि आप लोग खाना नहीं खिला सकते तो सीधा बता दीजिए, हम घर से खाना मंगवा सकते हैं, हमारे घर वाले 1 साल तक खाना खिला सकते हैं, लेकिन हमें इतना घटिया खाना देकर मत मारो, मैं इसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। महिला के खाने में फफूंद मिलने के बाद 20 से अधिक मरीजों ने भोजन नहीं किया।
मामले में जानकारी मिलने के बाद देर शाम बीएमसी प्रबंधक और जिला पंचायत के अफसरों ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई थाली 2 दिन पहले का मेन्यू है, लेकिन थाली कब और कहां से आई इस संबंध में अब भी पड़ताल जारी है। होशंगाबाद के घनाबाड़ में नर्मदा में डूबने से 4 भाई बहन की मौत हो गई। मृत बच्चों की बड़ी बहन वैशाली गौर और उसके पति को बचा लिया। वैशाली कहती है कि एक साथ गंगा दशहरा मनाने की खुशी थी। कुछ दिन पहले ही पति नरेश भोपाल से रायपुर गांव आए। भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्टार रेटिंग में प्लास्टिक उपयोग पर रोक की स्थिति पूरे 100% नंबर नागरिकों के फीडबैक पर मिलेंगे। वहीं गंदगी की शिकायतों के निपटारे में पूरे 100% नंबर भी लोगों के फीडबैक के आधार पर ही मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लास्टिक पर रोक दिखाने के लिए नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड अब स्वच्छ सर्वे में नंबर नहीं दिला सकेगा, बल्कि आम नागरिकों के फीडबैक पर ही माना जाएगा कि शहर में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगी है या नहीं। स्थिति गंदगी से संबंधित शिकायतों के निपटारे की है। केंद्र सरकार ने अगले साल की स्टार रेटिंग के पैरामीटर भी जारी कर दिए हैं। आर वॉइस मेगा।